रुख करते हैं अगली खबर की ओर। खबर भिवंडी से आ रही है, बता दें कि बड़ी खबर आ रही है भिवंडी वासियों के लिए। यह खबर कोरोना से जुड़ी हुई है और हम आपको बता दें कि कोरोना से मरने वालों की संख्या आज शहर में 33 से बढ़कर अब 58 हो चुकी है। 33 लोगों की मौत आज दिखाई गई है। हम आपको बता दें कि 40 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ग्रामीण इलाके में 25 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शहर का अगर हम बात करें तो शहर में अब तक का पूरा आंकड़ा 727 हो चुका है। ठीक होने वालों की संख्या 272 पहुँच चुकी है। वहीं पर मरने वालों की संख्या शहर में आज 33 हुई, जिसके हिसाब से आज का अब तक का टोटल आंकड़ा मृत्यु का अब 58 हो चुका है। उपचार ले रहे मरीजों की संख्या 397 है। हम आपको बताएं ग्रामीण इलाके में आज 25 रुग्ण पाए गए, जिसमें पूरा आंकड़ा 321 तक पहुँच चुका है। ठीक होने वालों की संख्या 116 पर पहुंची हुई। वहीं पर मृत्यु का आंकड़ा जो है वो 5 पर बरकरार है और 200 लोग अपना उपचार करवा रहे हैं। हम अगर विस्तार से बात करें भिवंडी ग्रामीण इलाके की, तो भिवंडी ग्रामीण के अनगांव में 12 मरीज पाए गए। अनगांव कार्यक्षेत्र से, खारबाव कार्यक्षेत्र से 7 मरीज, पड़गा से 1 मरीज, दीवा अंजूर कार्यक्षेत्र से 1 मरीज, कोनगांव कार्यक्षेत्र से 3 और चिंबीपाड़ा कार्यक्षेत्र से 1 मरीज, ऐसे टोटल 25 मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं पर हम आप बात करें तो शहर की, तो शहर में भी तकरीबन 13 महिला 27 पुरुष, ऐसे टोटल 40 मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम इलाके का नाम बताने जा रहे हैं, नदी नाका कार्यक्षेत्र, शांति नगर कार्यक्षेत्र, नवी बस्ती कार्यक्षेत्र, गैबी नगर कार्यक्षेत्र, पद्मा नगर, भाग्य नगर, कामत घर इलाके से 16 मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 14 पुरुष 2 महिलाएं का समावेश है। अंजूर फाटा में 1, भंडारी कंपाउंड से 1, आजमी नगर इलाके से 2, संगमपाड़ा इलाके से 5, संगमपाड़ा कार्यक्षेत्र है जिसमें हमको पता दें कि यहाँ से 5 मरीज, जिसमें 3 पुरुष 2 महिलाओं का समावेश है, ईदगाह से 1, मिल्लत नगर इलाके से 3। यानी कि अब देखा जाए तो कामत घर इलाका जो बड़ा हॉटस्पॉट बनते हुए नज़र आ रहा है। हम अगर बात करें पूरे आंकड़े की भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाके की, तो 1048 मरीज जो है वो अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ये जो आंकड़ा है वो 1000 के पार पहुंच चुका है। ठीक होने वालों की संख्या 388, मृत्यु का आंकड़ा जो है वो 63 तक पहुंच चुका है। आज के डेट में जो अगर देखा जाए तो 33 शहर में मृत्यु होने के बाद यह आंकड़ा 63 पर पहुंच चुका है। उपचार ले रहे मरीजों की संख्या ग्रामीण और शहर में 597 तक पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि यह बड़ी खबर, काफ़ी दिनों से यह आंकड़ा रुका हुआ था, जिसकी डिटेल्स मिल नहीं पा रही थी, जिसके डिटेल्स के बारे में पालिका ने बताया है कि काफ़ी मरीज जो है वो शहर से बाहर इलाज करवा रहे थे, जिसके वजह से यह आंकड़ा उन तक काफ़ी लेट पहुँचा है, जिसके वजह से यह आंकड़ा देने में काफ़ी देरी हुई है। हम आपको बता दें कि अब तक का पूरा मृत्यु का जो आंकड़ा है वो शहर में 58 हो चुका है। भिवंडी से आशीष राजभर की रिपोर्ट, स्पीड न्यूज। स्पीड न्यूज़ ताज़ा खबरों के लिए करें सब्सक्राइब।